दिन भर के सह प्रायोजक हैं स्विगी मुथूट फाइनेंस। साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मंडलीय समीक्षा बैठक मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई, संपन्न संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। डीआईजी ने रेंज के एसएसपी व एसपी के साथ की मासिक क्राइम समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। कानून व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं पर मंडलायुक्त व डीआईजी ने मंडल के आला अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। मंडलायुक्त ने राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए मंडल के आला अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए निर्देश। मानसरोवर मंदिर में सप्त दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का हुआ वाचन। 17 से 29 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए चलेगा बृहद अभियान। जिला अस्पताल के ओपीडी परिसर से अतिक्रमण दस्ते ने अवैध कब्जे को कराया ध्वस्त। और डीवीएनपीजी में समाज शास्त्र व शिक्षा शास्त्र के फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं के विदाई समारोह का हुआ आयोजन। मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त जयंत नालिकर की अध्यक्षता में गोरखपुर मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में गोरखपुर मंडल में चल रहे निर्माण कार्य तथा रोड चौड़ीकरण के संबंध में मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश एवं गोरखपुर मंडल को विकास के पथ पर ले जाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कराए जा रहे कार्यों को गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्यों को कराया जाए। इस मौके पर सीडीओ गोरखपुर हर्षिता माथुर, जिला अधिकारी देवरिया, जिला अधिकारी कुशीनगर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। इसमें ठीक है सर, फसल बीमा योजना ओडीओपी में वितरण का है सर, उसमें वितरण का वितरण देवरिया में क्या कर रहा है? कोई किसान एग्रो का जो प्रकोप था इंसेंटिव्स का, उसके लिए इंसेंटिव वाले में जो पॉलिसी के अंतर्गत वो मुझे याद है, उनको पता नहीं है कि आज मीटिंग है हमारा दिन के 23 डी में थे सर, इस बार 9 ही सिर्फ हैं। गोरखपुर के टोटल 43 डी में थे, इस बार सिर्फ 6 बचे हुए हैं। कुशीनगर के टोटल 9 थे पिछले महीने में, इस बार 1 बचे हुए हैं। देवरिया के 24। आपका जो डी या सी ज्यादा होगा तो आपकी नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे सर, लेकिन पिछली बार काफी सुधार है सर, ठीक है। डीआईजी रेंज कैंप कार्यालय में डीआईजी रेंज गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर राजेश डी मोदक राव रेंज ने पुलिस कप्तानों के साथ मासिक क्राइम समीक्षा बैठक की। बैठक में रेंज के एसएसपी व एसपी से हाल जानते हुए क्राइम को नियंत्रण करने हेतु रेंज के एसएसपी व एसपी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर डॉक्टर सुनील गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महाराजगंज रोहित सिंह सजवान, पुलिस अधीक्षक देवरिया, पुलिस अधीक्षक कुशीनगर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज मंथली मीटिंग है सभी एसपीज के साथ जो रेंज में हमारे आते हैं, तो नॉर्मली इसमें एक पैटर्न होता है कि जिसको हम क्राइम जो पूरे मंथ का क्राइम होता है उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे विशेष क्राइम होते हैं जो रिसेंटली बढ़े हुए हैं या जिसपे चर्चा करना आवश्यक है, तो वो हम लोग इस मीटिंग में चर्चा करते हैं।
कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने सहित अन्य बिंदुओं के संबंध में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर व डीआईजी रेंज गोरखपुर परिक्षेत्र राजेश डी मोदक राव ने मंडल के सभी पुलिस कप्तानों डीएम सीडीओ व संबंधित अधिकारियों के साथ मंडलायुक्त सभागार में बैठक की। बैठक में संबंधित अधिकारियों से कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने जनपदों में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। साथ ही मंडलायुक्त ने जनपद वार अधिकारियों से पास्को एक्ट के अंतर्गत चल रहे मुकदमों में प्रगति व SC ST एक्ट के अंतर्गत चल रहे मुकदमों की प्रगति व विवेचना की, स्थिति को जाना और आमजन मानस को उचित न्याय मिल सके इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में जिलाधिकारी गोरखपुर के विजयन पांडियन, देवरिया अमित किशोर, कुशीनगर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, महाराजगंज डॉक्टर उज्जवल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महाराजगंज रोहित सिंह सजवान, कुशीनगर देवरिया SP जनपदों के CDO हर्षिता माथुर, अपर आयुक्त अजयकांत सैनी, पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। दूसरा जगह देवरिया देवरिया से कौन हो गए सर पहले नौकरियों के पास पहले तहसील वन के और मामले आते थे। मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में मंडल के जिलाधिकारियों व संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्व वसूली को बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर अपर आयुक्त अजयकांत सैनी, जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह के साथ मंडल के DM व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जैसे एयरपोर्ट पे होता है सर, एयरपोर्ट के लिए वो एयरपोर्ट पे भी पता दे गया हमें देखो विवाद था, बाकी और जो है 3 दिनों की स्थिति ठीक है, चलिए मैनेज हो जाएगी पूरी बट लिए हमारा लक्ष्य है और सारी चीजें पूरी है। देवरिया आप बताइए सर, देवरिया में इस समय दिक्कत है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा पूरी बन रही है, साथ में क्या खाओगे? आलू छोले। आलू इस घर में मेरी वैल्यू तो थैंक यू। छोले घर का खाना साथ में थोड़ा स्विगी, ऑर्डर करो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। आइए फ्री एंटरटेनमेंट का महीना D2H के साथ। अगर 30 सितंबर के पहले से आपका सेट टॉप बॉक्स बंद पड़ा है तो मिस्ड कॉल दीजिए और पाइए वेलकम बैक ऑफर प्रतिदिन फॉर ₹1, 2 या 3 और पूरे महीने का प्रीव्यू फ्री। ₹1 प्रतिदिन में पाइए 201 चैनल्स, ₹2 प्रतिदिन में पाइए 217 चैनल्स, ₹3 प्रतिदिन में पाइए 235 चैनल्स। तो देर किस बात की, D2H अलग ही व्यू। पापा जी। हाँ जी। एस्कॉर्ट ठीक है जी? पैक करा दिया नू? ए वाला? हाँ ये भी चंगा आएगा। पैक करा दिया? पापा जी ये ड्रेस देखो। लेंथ नहीं छोटी करनी। माय गॉड सांस नहीं आ रही। एक बारी थोड़ी जड़ी पसंद है की ना, वो थानू मिले ना मिले लोन जरूर मिलेगा। अब भारत का नंबर 1 दे 1 विजिट में गोल्ड लोन
सिर्फ 1% ब्याज दर पर 5,000 सभी अधिक शाखाओं से। आज ही दो हाथी वाले मुथूट फाइनेंस आइए, एक विजिट में लोन लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। हरियाणा बाग स्थित पावन मानसरोवर में श्री राधा कृष्ण, राम जानकी, दुर्गा जी एवं शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। इस अवसर पर मानसरोवर परिसर में सप्त दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा प्रारंभ हुई। कथा व्यास संत हृदय बालक दास जी महाराज ने व्यास पीठ से अपने मुखार बिंद से कथा का रसपान कराते हुए भगवान शिव के चरित्र का वर्णन किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष श्रोताओं का तांता लग रहा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने जनपद के लोगों और खास तौर से मीडिया से अपील की है कि वह फाइलेरिया उन्मूलन के मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंप में मिजल्स रुबेला कैंपेन की तर्ज पर सहयोग करने की अपील की है। वहीं प्रेरणा श्री सभागार में एडिशनल CMO डॉक्टर IB विश्वकर्मा ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 17 फरवरी से 29 फरवरी तक बृहद अभियान चलाया जाएगा। टैबलेट और ये खिलाई जाएगी सभी 2 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को, खत्म हो। दूसरी बात ये कहा गया है कि इसमें जो टीमें हमारी जाएंगी, और इस बार की हम लोग की पूरी स्ट्रेटजी यही है कि सभी को जो, और इसमें जो है गीजर उनके लिए भी हम लोगों ने किया था। तो मेरा निवेदन है कि इस चीज को भी तो फिर उसको खिला देगी और वहाँ पे उसको करेगी। उसके बाद उसकी जो फैमिली रजिस्टर, पहले हम सर्वे करा चुके हैं, वो रजिस्टर लेके चलेगी, उस रजिस्टर पे खाया है नहीं खाया है इंगित करेगी। 17 तारीख से लेकर 29 तारीख तक फाइलेरिया का प्रोग्राम चल रहा है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें जो है हमारा टीम बना करके 2 वर्ष से लेकर के बड़ों तक के सबों को फाइलेरिया की गोली खिलाई जाएगी, जिसमें एल्बेंडाजोल की टैबलेट्स और DEC की गोलियां खिलाई जाएंगी। 2 साल के बच्चों को गोलियां नहीं दी जाएंगी और गर्भवती माताओं को नहीं दी जानी है,
और जो बहुत अति गंभीर या रोग से ग्रसित हैं और बहुत बीमार हैं उनको नहीं देनी है। बाकी उनके उम्र के हिसाब से जो डोज निर्धारित है उसके हिसाब से गोलियां खिलाई जाएंगी। इसके लिए जो हमारी टीमें बनाई गई हैं 25 घरों पे एक टीम बनाई गई है जिसमें एक आशा और एक आंगनबाड़ी होंगी जो कि घर घर जा करके दवा देनी नहीं है बल्कि दवा खिलानी है। अगर कोई अनुपस्थित पाया गया है तो उसकी दवा दे के नहीं आएंगी बल्कि दोबारा जा करके उनके घर पर खिलाएंगी और जिसको खिलाएंगी उनकी उंगली पर निशान लगेगा और घरों पर मार्किंग भी की जाएगी। उसके बाद जो है हर 5 टीम पर एक सुपरवाइजर निर्धारित किया गया है जो कि इनकी पर्यवेक्षण करेंगे ताकि इसकी गुणवत्ता अच्छी से अच्छी हो। इस तरह से करके हम लोग जो है 17 तारीख से लेके 29 तारीख तक प्रत्येक घर को कवर करेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति फाइलेरिया की गोली से खाने से छूटने न पाए ताकि हम लोग फाइलेरिया से मुक्ति पा सकें। कब खाना है? जिला अस्पताल के ओपीडी परिसर में अवैध रूप से पिछले 50 वर्षों से रह रहे कर्मचारियों के आवास को अतिक्रमण दस्ते के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह और नगर निगम चौकी प्रभारी अरविंद राय के नेतृत्व में प्रवर्तन दल की टीम ने अभियान चलाकर मकानों को ध्वस्त किया। इस दौरान प्रवर्तन दल के आर.के. पांडे, अशोक सिंह, आरआई अनिल सिंह, रेंट विभाग के अमरनाथ सिंह और महिला आरक्षी उपस्थित रहे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अतिक्रमण दस्ते के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने बताया, अतिक्रमण हमने स्टार्ट किया था 2 दिन पहले और शुक्रवार के होने के नाते उस दिन हमने अभियान अपना बंद किया था और आज इसमें कुछ पोर्शन बचा था, करीब 1 घंटे का यहाँ पर काम रह गया था उस दिन बृहस्पतिवार की जो हमने कार्रवाई की थी जिला अस्पताल में। और ये काफ़ी दिनों का अतिक्रमण था, कम से कम ये जो हमारी जानकारी में करीब 50 से 60 साल पुराना अतिक्रमण था कि जो कि डीएम महोदय के आदेश पे उन्होंने इसकी कार्रवाई की है। तो कुछ जो बचा था पोर्शन वो आज हम कर लेंगे, 1 घंटा में और समय लगेगा इस पूरी कार्रवाई को करने में। सर, कोई व्यवधान उत्पन्न होने की? व्यवधान कोई उत्पन्न नहीं, उस दिन जो था व्यवधान वो सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे, उन्होंने अपना उसको हैंडल किया था। पूरी टीम थी हम लोग की, उसमें शहर कोतवाल थे, चौकी इंचार्ज ये राय साहब थे हमारे, हम लोग के हमारी पूरी टीम थी, हमारे अपर आयुक्त थे, हम थे, वो सारे लोग थे। उस व्यवधान को उसी दिन हम लोग ने उसको दैनन देर उसको हमने उसका उसको सुलझाया और अपनी कार्रवाई पूरी की। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग द्वारा दिग्विजयनाथ सभागार में व शिक्षा शास्त्र द्वारा महंत अवैधनाथ स्मृति सभागार में एमए फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह एमए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की गई। इस मौके पर विभाग के डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह, निधि राय, जागृति विश्वकर्मा, डॉक्टर आर.एल. गांडिया, डॉक्टर अर्चना सिंह, डॉक्टर सुनील सिंह सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राएं मौजूद रहे।
दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।